अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, सेट्स में हमने पहले नोटेशन समझी थी कि कैसे आता है लिस्टिंग, टेबुलर और डिस्क्रिप्शन फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्टिंग और टेबुलर तो सेम चीज़ है, वैसे मैंने नाम लिया लिस्टिंग या टेबुलर, या मैं बोलूँ डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आता था, या सेट बिल्डर फॉर्म में आता। फिर हमने टाइप्स पढ़ी थी, टाइप्स हमें समझ में आ गई। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक चीज़ समझ में आ गई कि यार हाँ हो गया भाई, ठीक है, साइड टाइप समझ में आ गई, वो सब मेरे एक टूल है जिनसे मैं आगे खेलूंगा, वहाँ पे सेट्स खत्म नहीं हुआ है। अब सेट्स के ऑपरेशन शुरू होते हैं। एक कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ सेट्स, और यूनियन ऑफ सेट्स को मैं डिनोट करता हूं इससे, किसी भी दो सेट्स का जब अच्छा ऑपरेशन हमेशा दो या दो से ज्यादा सेट्स के अंदर होगा, कभी भी एक सेट के ऊपर उसका ऑपरेशन नहीं चलेगा। जैसे तो मैं ऑपरेट करूंगा, उनको लड़वाऊंगा, तो एक से ज्यादा ही सेट चाहिए होंगे ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ए जिसका एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 3, 2, 4, 5। अच्छा, यूनियन के आगे एक बात लिख लीजिएगा, छोटा सा एलसीएम। अब इसका आपको अंदाजा पता चलेगा मैंने एलसीएम क्यों लिखवा है। एग्जामिनर बोलता है कि यार मुझे ये फाइंड करके दो, ए यूनियन बी। मैंने क्या बताया, जब भी दो सेट के बीच में यूनियन होगा तो यूनियन का मतलब है कि मैं उनका एलसीएम निकालूंगा। जब मेरे पास ये फैक्टर्स दिए हुए तो इनका एलसीएम क्या हुआ, एक फैक्टर मेरे पास दिया ए 1, 2, 3 और बी क्या दिया हुआ है 2, 4, 5। एलसीएम निकालो इनका, क्या आएगा, कॉमन एक दफा उतरेंगे और बाकी अनकॉमन्स एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। ए यूनियन बी जब आप निकालते हो ना, तो ए यूनियन बी के अंदर कॉमन एक दफा एलिमेंट लेते हो और फिर उसके बाद जो अनकॉमन होता है उनको नीचे यहाँ उतार देते हो। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। एलसीएम वर्ड इसीलिए यूज किया था मैंने। अब आओ मेरी बात सुनो, अब मैं बोलता हूँ, एक वर्ड आता है, एक टर्मिनोलॉजी आती है, एंड दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बराबर में लिख लो ओनली कॉमन। सिर्फ ये वाली बात लिख लो, मैं समझाता हूँ अभी। इसी सेट की एग्जांपल लेंगे, एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से, 1, 2, 3, ये एलिमेंट्स क्या है 2, 4, 5। इंटरसेक्शन क्या कहती है, अच्छा इंटरसेक्शन इस तरह से हम डिनोट करते हैं ऐसे, उल्टा यू, वहां सीधा यू था यूनियन के लिए, उल्टा यू है इंटरसेक्शन के लिए। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करवाऊंगा, तो मैं सिर्फ कॉमन उठाऊंगा इन दोनों में। कॉमन क्या है सर, इनके अंदर सिर्फ कॉमन तो सिर्फ 2 है, तो बस 2 ही तुम्हारी इंटरसेक्शन, ये करना था बस, ठीक है। अब एक चीज आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेट ए बोलता हूं तो अगर उस पर ये वाला मार्क लगा हुआ है, ये छोटा सा मार्क, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ऑल दोज एलिमेंट्स नॉट इन दिस सेट, उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने आपको फ्रूट बास्केट की एग्जाम्पल दी थी, फ्रूट बास्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी सी बास्केट है, इसके अंदर मैंगोज हैं, इसमें एप्पल्स हैं, इसमें ऑरेंजेस हैं। सुनना मेरी बात, मैं बोलूंगा कि यार ए सेट जो है ना, जो सेट ए है उसके अंदर मैंगोज हैं। सर आपने कहा इसके अंदर मैंगोज हैं, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सब जो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप समझ में आए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कि वो सारी चीजें जो इसके अंदर नहीं है सेट में, वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाती है। अब सुनो मेरी बात, चौथा कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल ऑफ अ सेट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल समझो, यूनिवर्सल क्या चीज होती है,
यूनिवर्सल एक चीज ये होती है, ये कंसिडर करती है सारे सेट्स को, जितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, जितने सेट्स होंगे, वो सब के सब जब मिल जाएंगे तो बन जाएंगे यूनिवर्सल। जैसे कि मैंने उस बास्केट की एग्जांपल दी कि उसके अंदर मैंगो, ऑरेंज और एप्पल है, ये टोटल है, टोटल इसमें सेट बनते हैं ना। एक चलो यार एक ए सेट का बना दू, इसके अंदर मेरे मैंगोज होंगे, इसके अंदर एक सेट बना दू बी जिसके अंदर ऑरेंजेस होंगे, इसके अंदर एक सेट बना दू सी इसके अंदर एप्पल्स होंगे, तो ये सब मिलके एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो जो कुछ भी होगा ना, सारी की सारी चीजें, वो सब एक यूनिवर्सल सेट कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? वेरी गुड। अगर इन शॉर्ट में इस अच्छा यूनिवर्सल को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल का साइन। और अगर मैं यूनिवर्सल और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करूं तो मैं बोलूंगा कि सर आपने कॉम्प्लीमेंट बोला कि वो सब जो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यार यूनिवर्सल में से, इस पूरी बास्केट में से मैं ए को निकाल दूं तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यही काम तो किया था, पूरी बास्केट में से सिर्फ मैंगो निकाल दिए, क्यों? क्योंकि मैंगो ए के अंदर थे और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो मैंने एप्पल ऑरेंज लिख दिए। उसी तरह यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स में से ए निकाल दूं तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बात समझ में आई? ये लिंक मारा था, आप सुनिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अच्छा अच्छा ये भी अच्छा है, ये सुने। एक सेट है जिसके अंदर है ए बी और सी, एक सेट है बी जिसके अंदर है ए बी डी ई। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ए माइनस बी, इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ना कैसे होता है? इसको ऐसे पढ़ना होता है कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, ये बात लिख लो यार प्लीज, ऑल एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। इसका मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स निकालो जो ए में है लेकिन बी के अंदर नहीं है। तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, लेकिन पहले देख लूं कि यार ये बी में नहीं होने चाहिए, बी में होंगे तो मैं नीचे नहीं लिखूंगा। क्या ए बी बी में है? हाँ है, तो बचा कौन? सी। तो ए माइनस बी का आंसर क्या हुआ? सी। सिर्फ वो एलिमेंट जो ए में है मगर बी में ना हो, तो क्योंकि ए में ए बी सी थे लेकिन ए बी जो है वहां यहां पे भी आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा नहीं, सिर्फ सी ऐसा है जो यहां पे नहीं आ रहा, तो सी को पुट कर दो। बात समझ में आई? डिफरेंस समझ में आया? अब आओ मेरी बात सुनो, इसी की एक टाइप होती है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये कहता है, ये कहता है कि नो जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो नहीं होंगे, रेस्ट आप सबको उठा लो। रेस्ट आप ए के एलिमेंट्स उठा लो, बी को उठा लो, लेकिन इनके कॉमन एलिमेंट्स नहीं उठाना। क्या मतलब? सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट इससे करते हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ है इससे। अब मैं देखूंगा इनके अंदर कॉमन क्या है, ए बी ए बी, ए बी को इग्नोर कर दो, अब अनकॉमन उठाना है, सी उठाना है, और इससे बोलता है बी के भी उठा लो क्योंकि वो कॉमन नहीं है, सी डी और ई। ये है सिमेट्रिक डिफरेंस और वो था सिंपल डिफरेंस। बात समझ में आई? ये कहता है कि मेरे एलिमेंट्स उठाओ, सामने वाले के नहीं उठाना। तो इसीलिए मैंने देखा कि यार इसके तीन एलिमेंट है लेकिन ये दो यहां थे, मैं सिर्फ ये उठा के रख दिया। ये कहता है कि हमारे सिर्फ कॉमन छोड़ दो, बाकी हम दोनों में से सारे एलिमेंट उठा लो, सिर्फ कॉमन छोड़ देना हमारे। मैंने कॉमन देखा, मैंने कहा यार ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी सी डी ई दोनों में कॉमन नहीं है, डाल दो खत्म। ये है सिमेट्रिक डिफरेंस और कुछ नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आई? ओके परफेक्ट, वेरी गुड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ एग्जांपल्स के साथ मिलूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा प्लीज, यूनियन, ये सिर्फ एक वर्ड ही याद कर लेना, ये एलसीएम यूनियन के लिए जिंदगी आसान। इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ एक ही वर्ड याद कर ले कॉमन, जिंदगी आसान। कॉम्प्लीमेंट के लिए सिर्फ ये वर्ड याद कर ले कि मेरे अलावा सब वो है कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल कहते हैं सारे के सारे एलिमेंट मेरे हैं, कोई सेट वाला
ऐसा नहीं कि कोई सेट ये वाला सेट मेरा है, ये नहीं, नहीं कह रहे, जितने सेट जितने एलिमेंट हैं सब मेरे। और ये वाला मैंने कैसे लिंक मारा था कि यूनिवर्सल में से किसी एक अपने सेट को निकाल दो तो ये कॉम्प्लीमेंट बन के आ जाता है। और डिफरेंस मैंने बता दिया कि मेरे एलिमेंट्स, लेकिन सामने वाले का एक भी नहीं चाहिए मुझे, हम दोनों के एलिमेंट्स उठा लो लेकिन सिर्फ कॉमन छोड़ दो। ये छह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट लेक्चर को आप मेरे देखेंगे इसके अंदर मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको अच्छी तरह टैकल कर लेंगे और समझ लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।